ये खाते हम ना, जिंदा नहीं जाएगा तू आज। यहाँ पर बहुत सारे लूटने वाले भी मिलेंगे। 6 घंटे का वक्त लग चुका है, विजिट जरूर करना, बहुत मस्त प्लेस है। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे आज के एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आपका भाई अभी नहा हुआ कर रेडी हो चुका है एकदम मस्त तरीके से, और इसके पहले वाले ब्लॉग में देखे थे मैं जा रहा था कहा तारापीठ दर्शन करने माता का। तो गाइस अभी नहा हुआ कर रेडी हो चुके हैं, अब यहां से निकल रहे हैं, अभी 6 बजे है और बाहर का मौसम अभी थोड़ा अंधेरा वाला ही है, तो निकलते हैं बाहर, अब दर्शन करने चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो ब्लॉग में बने रहना, मजा आने वाला है। तो चलिए निकलते हैं अपने होटल के रूम से बाहर। निकल चुके हैं अपने होटल से बाहर और अभी का देख सकते हो सीन कुछ इस तरीके का, अभी पूरा उजाला भी नहीं हुआ और हम लोग निकल चुके हैं। आई होप आपको मेरा फेस अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो यहीं बगल में ही हम लोग जहाँ रह रहे थे वहीं पर मेरा होटल भी था, तो होटल से करीब 5 मिनट का रास्ता है। तो चलते हैं मंदिर और आपका स्टार्टिंग कहाँ से है, कैसे क्या है, आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर सारा चीज़ अभी बंद है क्योंकि अभी 6 ही बजा है। यहाँ पर अप्रोक्स आपको 8 बजे के बाद ही थोड़ा चहल पहल देखने के लिए मिलता है, बट मंदिर के साइड में आपको अभी से ही चहल पहल देखने के लिए मिल जाएगा। तो मंदिर के साइड पहुँचते हैं, आपको फिर आपको दिखाते हैं आगे का सीन। तो मिलते हैं आगे। हम लोग मंदिर का गेट में एंट्री करने वाले हैं। यहाँ से मंदिर का सारा जो भी स्टॉल वगैरह होता है, जो भी मतलब पूजा का सामान जो भी होता है, सारा स्टार्ट हो जाता है बिकने का। लेकिन अभी पूरा प्रॉपर तरीके से अभी खुला हुआ नहीं है। तो पीछे का आपको मेन गेट आपको दिखाते हैं एंट्रेंस कैसा है, कुछ इस तरीके का आपको सामने का मेन गेट दिखेगा। और अभी भाई मैं रात में यहाँ पर आया था, शाम में बहुत चहल पहल था गाइस। ये पूरा आपको जो रास्ता दिख रहा है ये पूरा में एक से एक दुकान गाइस भरा हुआ था, बट अभी बंद है। बट अभी पूजा कर आएंगे उधर से तो पूरा अच्छा तरीके से खुल जाएगा, तो आपको दिखाते हैं आगे। तो इससे अभी यहाँ से हम लोग करीब 10 मिनट चलेंगे, उसके बाद तारा माता का मंदिर आ जाएगा जो कि तारापीठ के नाम से फेमस है। तो भाई माता पे चढ़ाने के लिए फूल उल चाहिए, तो देख सकते हो ले लिए हैं। और देख सकते हो इधर जो भी आप देख रहे हो ये सब से आपको जो भी लेना होगा प्रसाद वगैरह, ये सब बहुत सारा यहाँ पर, यहाँ का पेड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे कहाँ से कितना में मिल रहा है। देख सकते हो सारा बहुत सारा यहाँ पर प्रसाद का यहाँ पर खुला हुआ है। आपको प्रसाद के लिए आपको पेड़ा लेना पड़ेगा। तो गाइस पेड़ा भी यहाँ कैसे मिल रहा है, तो कैसे कैसे बाबा ये पेड़ा कैसे कीजिए? 150-200 अच्छा, प्रसाद यहाँ का यही है ना? ठीक है, कितना लोगे? 200 ग्राम दो जगह दे दीजिए। प्रसाद को प्रसाद की तरह ही यूज करना चाहिए, फिर आएंगे बाहर तो फिर और ले लेंगे। तो गाइस अभी लाइन में लगने के लिए निकल चुके हैं और देख सकते हो ये पूजा का सामग्री जो भी है ले लिए हैं। और आप जो सामने देख रहे हो, सामने वो जनरल, आपको नज़दीक जाकर दिखाता हूँ गाइस। देख सकते हो इसमें भाई यहाँ पर बहुत सारे लूटने वाले भी मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सेफ से 10 जगह आपको पता कर लेना है कैसे क्या कितना में क्या हो रहा है, उसके बाद ही आपको कहीं से लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई बोले आपको बुलाए कि यहाँ आ जाओ बाबू और जाकर आप ले लो, तो भाई आपका कट जाएगा, इसलिए थोड़ा सेफ से। और यहाँ पर एक ये मतलब अभी माता का दर्शन करने के लिए यहाँ पर एक VIP है, एक जनरल है। जनरल के लिए आपको 300 रुपया देना पड़ेगा, VIP के लिए आपको 500 देना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा सिस्टम है गाइस। तो हम लोग जनरल से ही जा रहे हैं क्योंकि उतना दूर से आए भाई, 2-3 घंटा लाइन में नहीं लग सकते, तो उसका फायदा क्या है गाइस। तो देख सकते हो अभी लाइन दिखाते हैं आपको, देख सकते हो कितना लंबा लाइन है। तो गाइस यहाँ से जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो लंबा सा एकदम जा रहा है, जो जा रहा है और वो लास्ट जो वहाँ तक है वो सारा जनरल लाइन है, जो कि बिना पैसा का माता के लिए आपको दर्शन करने के लिए 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा। और जो VIP लोग हैं भाई वहाँ से, तो हम लोग तो VIP है नहीं गाइस, तो हम लोग पूरा लाइन में लग के ही हम लोग जाने वाले हैं। तो लगते हैं लाइन में, उसके बाद माता के पास पहुँच कर आपको दर्शन करवाते हैं। और तो भाई लोग करीब 3 घंटे से कड़ी मुशक्कत के बाद हम लोग आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, लाइन में लगे हुए करीब मुझे 3 घंटे हो चुके हैं। और गाइस इतना हाल बहुत खराब है, तो
तो आप अभी जो सामने मंदिर देख रहे हो वो तारा माता का यानी तारापीठ का मेन मंदिर है। वहीं तारा माता का आग का पुतलिया समर्पित है गाइस, वहीं पर वो गिरा था। और अभी वहां कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं आपको चारों तरफ दिखा दे रहा हूं। और जो ये रेड कलर के जो पहने हुए वो वहां के पंडित है जो कि आपके लिए पूजा कर। और आप अभी जो सामने देख रहे हो वही तारा माता का मंदिर है गाइस, और वहीं पर तारा माता विराजमान है। और अच्छे से मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। अब वहाँ से निकल चुके हैं पूजा करके, और जो मेरे नाक पर जो रेड कलर का है वो गाइस पंडित जी ने मुझे लगा दिए हैं। और यहाँ पर 360 व्यूज देख लो मंदिर के अंदर कैसा कुछ दिखता है, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का अंदर का मंदिर का नज़ारा है। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे करीब 6 घंटे का वक्त लग चुका है। और यहाँ पर मैंने एक धागा बांधा जो कि मेरा जो भी मेरा ख्वाहिश था वो मैंने बोलकर यहाँ पर धागा बांधा, और देखता हूँ पूरा होता है कि नहीं है। और आप मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ गाइस। और यहाँ पर मैंने थोड़ा धूप दिखवाया चारों तरफ मतलब घूम घूम कर, उसके बाद फिर मैं वहाँ से बाहर निकल गया। तो देख सकते हो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और आपको जो भी सामान खरीदना है कुछ भी आपको सारा चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा, खाने से लेकर पीने से लेकर सजावट से लेकर सारा चीज, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बामा खेपा जो कि तारा माता का सबसे बड़ा भक्त है, वहीं से हम लोग उन्हीं का पूजा करने जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं, वहां पर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। यही है तारा माता का बामा खेपा सबसे बड़ा भक्त, और इन्हें साक्षात दर्शन दिए थे तारा माता। और ये जो अभी देख रहे हो नजारा ये रात का नजारा है, तो प्लीज आप यहां आकर एक बार विजिट जरूर करना, बहुत मस्त प्लेस है। अब मैं आपको कुछ डेंजर चीज वहां की कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बाबा हमारा काम यही है, ये खाते हम। मैं घर पे जाना चाहता हूँ, घर पे देखो मुझे जिंदा नहीं जाएगा तो आज क्या मैं यहाँ से जिंदा निकल सकता हूँ, जिंदा जा सकता हूँ? नहीं जाना दूंगा जिंदा। जो अभी आपने डेंजर सीन देखा वो अभी का नहीं है, वो करीब 1 साल पहले का है। और मैं ये आपको दिखा रहा हूँ पहले इस तरीके का होता था, बट अब वो सब धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म हो गया है गाइस। और वहाँ पर अब लकड़ी से कुछ भी नहीं चलाया जाता, वो सब इलेक्ट्रिक हो चुका है। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके का आपको धासु ब्लॉग मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।